देश में ऐसे कई नेता हैं जो आम जनता की खुलकर मदद करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। और अगर कोई व्यक्ति इन नेताओं के दरवाजे पर पहुंच गया और मदद मांगी तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसी फहरिस्त में एक नाम उत्तर प्रदेश से आता है और वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता हैं। मगर विपक्ष में रहने के बावजूद भी आज भी वो मदद मांगने वाले लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देते। शायद इसीलिए अखिलेश के बारे में कहा जाता है कि वो नेता कम इंसान ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी भी किसी की भी मदद करने से पहले अखिलेश अपना फायदा नहीं देखते। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए और कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहना पड़ा। मगर इस दौरान भी अखिलेश लोगों की लगातार मदद करते रहे। अखिलेश के करीबियों की माने तो अखिलेश सबसे ज्यादा उस वक्त अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन, दवा, अस्पतालों में बेड्स की ज़रूरत थी। और अखिलेश यह सब ज़रूरतें जो कि जनता की थीं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो विपक्ष में थे और उनके पास ये सभी व्यवस्था जनता को देने के लिए नहीं थी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछली बार आम जनता को भोजन पानी की जरूरत थी, मगर इस बार दवा और अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत है, और जो कि समाजवादी पार्टी के पास नहीं बल्कि सरकार के पास है। 14 अप्रैल को अखिलेश यादव जब से कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद वो लोगों की उस तरीके से मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संसाधन और ज़रूरत दोनों बदल चुकी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में उनका दर्द साफ झलकता है। आखिर में अखिलेश यादव के कुछ ट्वीट को पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। हालात देख सबको बदल जाना चाहिए, जीना है तो थोड़ा संभल जाना चाहिए। हम जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े हैं, कोशिश करें कि वक्त ये टल जाना चाहिए। किसकी खता है कितनी ये तय बाद में करें, पहले सुरंग से तो निकल जाना चाहिए। महबूब से मिलाने की जिद दिल अगर करे, उसे बहाना कीजिए कल जाना चाहिए। आपको पता है आपका दिल मौन नहीं है, पर दूसरों के दुख में पिघल जाना चाहिए। अब तक ठीक ठाक है ईश्वर की कृपा से, इस धोखे में ज्यादा न टहल जाना चाहिए। सियासत में जुमलेबाजी का माना महत्व है, पर झूठ के सांचे में न ढल जाना चाहिए। आवाम के दुख दर्द के शायर हो तुम उदय, इस दौर में भी एक गजल जाना चाहिए। जिंदगी और मौत में है मारी मारी किस कदर, ऐसी बदहाली में भी काला बाजारी किस कदर। महंगा ऑक्सीजन खरीदो एक घंटे के लिए, मुफ्त बांटे पेड़ उन पर चलती आरी किस कदर। कुछ मुनाफे के लिए झटके जो लाशों का कफन, शक्ल सूरत से वो लगते धर्मधारी किस कदर। यमराज जिनको ले गए सरकार उनका क्या करे, खामोश चिल्ला रहे हैं नर और नारी किस कदर। आदमी भगवान बन जाने की धुन में जब लगा,
आड़ती जनता ने तब उसकी उतारी किस कदर। जनता और सरकार के आंकड़े में फर्क है, विश्व गुरु बनने की है अपनी तैयारी किस कदर। उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल कोरोना पीड़ितों के लिए घरों पर ऑक्सीजन का प्रबंध सुनिश्चित करें। मरीज तो मरीज हैं, चाहे वो घर पर हों या अस्पताल में। भाजपा सरकार सत्ता का दम छोड़कर और परिवार वाले की तरह सोचे। सरकारी आपूर्ति की अव्यवस्था का खामियाजा जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते। लखनऊ पश्चिमी और औरैया की सदर विधानसभा से बीजेपी के विधायकों का कोरोना संक्रमण के कारण निधन, अत्यंत दुखद। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना, विनम्र श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव। अत्यंत दुखद शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री राम मूर्ति वर्मा जी का निधन। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहन संवेदना। भारत में कोरोना की अव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार की विफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विभिन्न देशों ने भारत जाने पर रोक लगा दी है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है। प्राण वायु तक उपलब्ध नहीं है। कहां है डबल इंजन की सरकार। अखिलेश यादव। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।